बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आम आ गए हैं मार्केट में। आम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज हम बनाएंगे आमों की स्मूथी। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी ही मजे की बनती है। तो आइए देखते हैं मैंगो स्मूथी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम जो हैं इनका छिलका उतार लेंगे। आम वाले से आम जो हैं वो बता के लेने हैं कि स्मूथी बनानी है या मिल्क शेक बनाना है, क्योंकि कुछ आम होते हैं उनमें रेशे होते हैं, जाली होती है, तो वो मिल्क शेक के लिए सही नहीं होते। तो ये ज़रूर बता लेना उसको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तीन आम जो हैं वो काट लिए हैं। तो अब हम इन आमों को फ्रिज में रखेंगे बर्फ़ वाले खाने में 2 से 3 घंटे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंगो जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह। तकरीबन 3 घंटे के लिए इन्हें रखा था फ्रिज में बर्फ़ वाले खाने में। और दो तरह की स्मूथी बनाएंगे, एक केले वाली और एक केले के बगैर, सिर्फ मैंगो की। तो सबसे पहले मैंगो वाली बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप मैंगो लिए हैं, यानी कि 450 ग्राम कह सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप जो है वो दही डालेंगे। और आधा कप दूध। दही जो है वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 खाने के चम्मच शहद डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह पीस लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्मूथी हो गई है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बड़ी ज़बरदस्त स्मूथी तैयार हुई है। अब दूसरी तरह की कर लेंगे तैयार। साथ में रख दिए थे केले को, कट लगा लेंगे, साबुत नहीं डालने केले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 3 कप मैंगो इसमें भी डाल लिया है और 2 केले हैं, आधा कप दही, इसमें शहद डालने की ज़रूरत नहीं है, केलों की वजह से ये मीठा हो जाएगा। और उसमें भी अगर शहद नहीं है आपके पास तो चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। आधा कप इसमें भी दूध जाएगा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली स्मूथी भी तैयार हो गई है। और अगर आप मीठा जो है ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें भी आप शहद, चीनी कुछ भी डाल सकते हैं मीठा करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मीठा काफ़ी है इसमें। और बर्फ़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूध जो है वो फुल क्रीम वाला कोई सा भी आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की स्मूथी जो है वो बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम बच्चों को सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह।
ब्रीरा फातिमा, मजा आया? फातिमा जैनब, आपको आया मजा? माशाल्लाह। हाँ जी अबू जार, मोहम्मद अहमद। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।